सहदेव को दक्षिण दिशाओं के राजा को जीतने के लिए भेजा, नकुल को पश्चिम दिशाओं के और अर्जुन को उत्तर और भीम को पूर्व दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए। सब राजा जीत लिए, अब एक राजा बाकी बचा है जिसका नाम है जरासंध। भगवान बोले इसको जीतना बिना मेरी सहायता के हो नहीं सकता। तो अर्जुन भीम और कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बना जरासंध की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। कहने लगे जरासंध बोला मैं तुमसे अति प्रसन्न, बोलो ब्राह्मणों क्या वरदान मांगना चाहते हो। भगवान बोले हम ब्राह्मण नहीं है, मेरा नाम कृष्ण है, इसका नाम अर्जुन है, ये भीम है। जरासंध मुस्कुराए, मेरे डर से मथुरा छोड़कर के द्वारका में बस गए, मैं तेरे साथ। बोलो क्या करना चाहते हो। बोले हम आपके साथ में युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध कहने लगा मैं तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा, तू मथुरा छोड़कर के द्वारका बस गया, पता नहीं तू कब भाग जाए, तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा, तू रण छोड़ है। और अर्जुन से मैं युद्ध इसलिए नहीं करूंगा, अर्जुन मुझसे छोटा है और भीम मेरे बराबर का है, भीम के साथ में युद्ध करूंगा। दोनों का युद्ध हुआ। सज्जनों 26 दिन तक भीम जरासंध से युद्ध करते रहे, ना जरासंध भीम को परास्त कर पाए, ना भीम जरासंध को परास्त कर पाए। और 26वें दिन जाकर के सज्जनों ये हमारे राजवीर सिंह की बेटी ठाकुर जी को नोटों का हार पहना करके ठाकुर जी से आशीर्वाद ले रही है। भगवान ऐसे भक्तों को मंजिल के बाद हमको दूर कर ही रहा था भैया, इनके भंडार भरती रहे, धन्यवाद। इधर सज्जनों 26वें दिन जाकर के भीम बोले प्रभु अब मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं जितना चीरता हूँ ये जुड़ जाता है। भगवान बोले अब तक अपनी ताकत से लड़े, अब हमारी ताकत से लड़के देखो, जब तक जीव अपनी ताकत से लड़ता है तब तक वो परास्त होता रहता है, और जब भगवान की ताकत छुड़ जाती है तो दुनिया को परास्त कर देता है। सज्जनों कहने लगे जब युद्ध करने जाओ तो बीच बीच में मेरी तरफ देखते रहना। सज्जनों जब युद्ध 27वें दिन युद्ध करने गए तो जैसे ही भगवान की तरफ देखा, भगवान ने तिनका उठाया और बीच में से चीरा, इधर वाला इधर फेंक दिया और इधर वाला इधर फेंक दिया। भीम ने वही किया, जरासंध को बीच से फाड़ा, इधर वाला फाड़ इधर फेंक दिया और इधर वाला इधर फेंक दिया, विपरीत दिशा में फाड़ को फेंके, जरासंध का वध हो गया, जरासंध को मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने इनको जिंदा किया था। ये कथा वैसे 1.5 घंटे की है, पर मैं क्षमा चाहूंगा, हर कथा को कोई वक्ता 7 दिन में नहीं कह सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बहुविधि सब संता। भगवान की कथाओं को छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है, गोता लगाई जाती है और 7 दिन में पार हो जाया करते हैं। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, जरासंध का वध कर दिया। अब पहले दिन की कथा में आप सभी भक्तों ने कथा सुनी होगी, जब कलयुग राजा परीक्षित के राज्य में आया तो उन्होंने कहा अन्याय के कमाए हुए स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। इसी दिन वो मुकुट लेकर के गए थे, भगवान ने मना किया था मुकुट ना ले जाओ, और उस दिन यही जरासंध का मुकुट महाराज परीक्षित ने पहना था। सज्जनों इसलिए अन्याय का कमाया हुआ मुकुट था, बेईमानी का मुकुट था, कली को बांस कर गया, उसकी वजह से पूरी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हो गई। सुखदेव जी समझाने लगे वक्त बाकी है, अभी समय बाकी है। क्यों मैं एक निवेदन आप सभी भक्तों से करूं, जब ये बुआ सरसदरवा का बेटा शिशुपाल पैदा हुआ तो उसके 3 नेत्र 4 भुजाएं थी। बुआ सरसदरवा ने समझा बालक खराब है, इसको फेंक देना चाहिए, तभी आकाशवाणी हुई अपने रिश्तेदारों की गोद में दे दो, और जिसकी गोद में जाकर के 1 आंख और 2 भुजाएं समाप्त हो जाए, असली स्वरूप में आ जाए, भाई इसका वध करेगा। कृष्ण की गोद में दिया तो 1 आंख चली गई 2 आंख रह गई और 2 हाथ रह गए, असली स्वरूप में आ गया। और बुआ सरसदरवा बोली मेरे बेटे को मारना मत, तुम्हारे हाथों से वध है। भगवान बोले 100 गलती करेगा मैं माफ कर दूंगा, और जो 101वीं गलती करेगा मैं उसको मार करके मौत के घाट उतार दूंगा। अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन वो बात याद रखो, भी गलतियां बाकी है, 99 गलती कर दी। भगवान बोले शिशुपाल सावधान, नहीं तो बुआ को रोना पड़ेगा, ये नहीं माना, 100 गलती कर दी, 101वीं गलती की। भगवान ने चक्र निकाला और शिशुपाल के ऊपर छोड़ दिया, शिशुपाल का वध कर दिया। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। कहने लगे तुम्हारे हृदय में ये डर बैठा हुआ था, रानी उड़ावती पुत्र जन्म जब छूट जाएंगे सारी संपत्ति पड़ी रह जाएगी, अब वो डर कितना है। बोले प्रभु कथा सुनाओ, तक्षक मुझे डस लेगा, अब मुझे कोई डर नहीं है। सावधान हो जाओ, अब तुम्हें तक्षक डसेगा, तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारी रानी उड़ावती पुत्र जन्म जब सब कुछ संपत्ति यहीं पर पड़ी रह जाएगी, सावधान हो जाओ। और जैसे ही कहा सावधान हो जाओ, सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, अब आगे